हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड, आज हम सीखेंगे कि हमारा जो मोबाइल है, टैबलेट है, उसका जो मीडिया मतलब जो MP3 वीडियोस, फोटोज़ वगैरह जो होते हैं वो कंप्यूटर में, PC में कैसे शेयर करें, और वो भी बिना वायर के। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारी स्मार्ट इंडिया चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन है वो दबाकर हमारे वीडियो पाइए सबसे पहले। दोस्तों अब आपको क्या करना है कि एक सिंपली सेटिंग करना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा PC है ये हमारे राउटर से कनेक्ट है। फिलहाल ये लैन वायर से कनेक्ट है, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ ये कनेक्ट है लैन वायर से, और वो कनेक्ट है लैन वायर ये राउटर से। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये राउटर का होना बिल्कुल आवश्यक है। अगर राउटर का कनेक्शन आपके PC में होगा तो क्या होगा कि ये जो मोबाइल है या टैबलेट है वो कनेक्ट होगा राउटर से, और राउटर कनेक्ट होगा कंप्यूटर से, तो ही ये डेटा भेजेगा और यहाँ दिखेगा। दरअसल ये होता है कि यहाँ से हम जो प्ले करते हैं वो राउटर में जाता है डेटा, और उधर से ट्रांसफ़र होके लैन वायर के द्वारा PC में आता है। अब सिंपली कुछ आपको सेटिंग्स करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें ये मीडिया प्लेयर ओपन करना है, और मीडिया प्लेयर ओपन करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो ऑर्गेनाइज और ये क्रिएट प्लेलिस्ट के बीच वाला जो स्ट्रीम का ऑप्शंस है वहाँ आपको क्लिक करना है। और यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिसमें पहला है अलाउ इंटरनेट, उसमें हमको कुछ सेटिंग नहीं करना है। दूसरा है अलाउ रिमोट कंट्रोल ऑफ माय प्लेयर, तो उसके ऊपर क्लिक करके सिंपली हमें क्या करना है, अलाउ कर देना है, अलाउ रिमोट कंट्रोल ऑन दिस नेटवर्क, तो हमें ये अलाउ कर दिया है। और फिर उसी ऑप्शन में जाके हमें क्या करना है कि दूसरा जो ऑप्शन है उसको भी अलाउ कर देना है। बस हमारा ये प्लेयर का काम अब ख़त्म हो गया है। अब हम चलते हैं टैबलेट की ओर, मतलब मोबाइल में भी चल सकता है। फिलहाल मैं ये टैबलेट से आपको डेमो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके बिना ये काम नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हो बबुल UPNP नाम की जो ऐप है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो मैंने ये फ़िलहाल डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। और ओपन जैसे करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो प्ले न्यू प्लेइंग के बाजू में जो ऑप्शंस है, तीन एरो वाला आइकॉन है उसके ऊपर स्पेस करना है, और यहाँ जो ये लोकल वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये हमारे PC का नाम है स्मार्ट इंडिया PC और मीडिया प्लेयर, तो मतलब जिसका नाम यहाँ दिखा रहा है, तो ये हम यहाँ सिंपली यहाँ कनेक्ट कर देना है। तो ये कनेक्ट हो गया है। अब आप सभी मोबाइल के मीडिया शेयर कर सकते हैं, तो हम डेमो के लिए दिखाते हैं। तो कुछ वीडियो हम प्ले करते हैं, ये कुछ वीडियो है जो आपको मैं प्ले करके दिखाऊंगा, या देख सकते हो ये आ गया है। इस तरह से आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, पुश भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो, बैकवर्ड भी कर सकते हो, और वो भी बिना मतलब बिना वायर के, कितना आसान है। और कुछ परचेस करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ कोई वायर वायर नहीं लगा है, और यहाँ हम सिंपली उसके ऊपर शेयर कर रहे हैं। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि बिना वायर के ये मोबाइल का डेटा कैसे कंप्यूटर में शेयर करे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर हमारा आपको पसंद आया तो लोगों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और हमारी चैनल स्मार्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। जय हिंद, जय भारत।